आप गियर्स कम कर सकते हो, फॉर एग्जांपल जैसे रुकने के बाद मैं एक साथ क्लच प्रेस करके सारे गियर्स कर देता हूँ टू द फर्स्ट या फिर न्यूट्रल। नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ये गियर शिफ्टिंग के रिगार्डिंग। ऑफ कोर्स आप एज अ बिगिनर आप जब बाइक चलाना जाते हो तो गियर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है और गियर्स आपको सही तरीके से शिफ्ट करने आने चाहिए। दो तरीके की मोटरसाइकिल आती है, एक है एसी जो कम्यूटर होती है जिसमें सीटिंग पोजीशन काफ़ी अच्छा होता है, सीट भी कंफर्टेबल होता है, दो तीन लोगों का बैठने का जगह होता है। और दूसरे तरीके का बाइक आता है जो थोड़ा सा स्पोर्टी टाइप होता है जिसके अंदर सिर्फ सिंगल गियर लीवर होता है, इसके अंदर ये डबल गियर लीवर है यानी कि ये आगे भी है और पीछे भी है। सिंगल वाले में सिर्फ आगे होगा पीछे नहीं होगा। और ऐसे तरीके से आप लाइक गियर्स को शिफ्ट कर सकते हो। गियर्स क्या होते हैं इसके रिगार्डिंग मैं आपको बताता हूँ। इसके पहले के वीडियो में भी मैंने बताया था कि आपको जितना ज़्यादा स्पीड जाना है उतना ज़्यादा आपको गियर्स शिफ्ट करना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा पावर होता है फर्स्ट गियर में, फिर उससे कम हो जाता है सेकंड में, फिर उससे कम हो जाता है थर्ड में, फिर उससे कम हो जाता है फोर्थ में और फिर फिफ्थ एंड सिक्स। तो इस तरीके से होते हैं, हर एक बाइक में 6 गियर्स होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं, मतलब सम हर एक बाइक में नहीं होते, कुछ बाइक में 4 होते, कुछ बाइक में 5 होते, कुछ बाइक में 6 होते, पर मैक्सिमम 6 होते, इससे ज़्यादा नहीं होते। अब जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो ये मेरा गियर लीवर है और गियर लीवर मेरे पास दो पैटर्न वाला है, दिख रहा है आगे और पीछे। बट आप चाहिए तो सिर्फ सिंगल से भी गियर शिफ्ट कर सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। मैं तो सिंगल से ही करता हूँ और मेरे बाकी सब बाइक्स में भी सिंगल ही है। अभी ये सब छोड़ के चलिए बात करते हैं गियर्स के रिगार्डिंग और गियर्स को किस तरीके से शिफ्ट करना चाहिए। तो यहाँ पे मेरे पास गियर्स है। गियर्स बेसिकली बहुत ही सिंपल है, ये तरीके का पैटर्न बहुत सिंपल है। पहला मतलब आप नीचे करोगे तो ये चला जाएगा न्यूट्रल में, पीछे करोगे तो होगा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, समझ में आया? तो इस तरीके से फिफ्थ जाएगा, फिर फिफ्थ से वापस नीचे जाना है तो आपको यहाँ से फोर्थ थर्ड सेकंड फर्स्ट और न्यूट्रल। तो न्यूट्रल इसमें नीचे ही होता है, बाकी की जो बाइक्स होती है उसमें न्यूट्रल अलग तरीके से होता है, इसका भी मैंने वीडियो बना के रखा है, आप वो भी देख सकते हो। तो सिंगल लीवर से कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसे लाइक आपको फर्स्ट करना है तो आपको नीचे से ऊपर करना पड़ेगा फर्स्ट, फिर नीचे से ऊपर किया हो गया सेकेंड, यानी कि आप पीछे का ये पैटर्न दबा रहे हो, फिर हो गया ये थर्ड, फिर हो गया ये फोर्थ और फिर हो गया ये फिफ्थ। अगेन आपको नीचे करना है तो आपको आगे से ही प्रेस करना पड़ेगा, तो ये हो गया फोर्थ, ये हो गया थर्ड, ये हो गया सेकेंड, ये हो गया फर्स्ट और ये हो गया न्यूट्रल। तो इस तरीके से आप इसमें कर सकते हो, ये बहुत इजी है। लेकिन गियर शिफ्ट करने के लिए सिर्फ आपको गियर लीवर को ही ऊपर नीचे नहीं करना, आपको साथ में क्लच भी प्रेस करना है। क्लच बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जब भी आप गियर्स को शिफ्ट करते हो। अब मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि किस तरीके से करना। पहले प्रेस द फुल क्लच, नॉट हाफ क्लच और एनीथिंग, और यहाँ से आप अपने गियर्स को शिफ्ट कर सकते हो। तो अभी ये फिलहाल न्यूट्रल पे है, न्यूट्रल पे है, कैसे समझ में आएगा? इसके आगे गियर शिफ्ट नहीं होगा, ये बहुत ज़्यादा हार्ड लगेगा आपको, बराबर। फिर इसके बाद आप यहाँ से कर सकते हो टू द फर्स्ट, टू द सेकेंड, टू द थर्ड, टू द फोर्थ, टू द फिफ्थ, राइट। फिर वापस आपको करने के लिए यहाँ से टू द फोर्थ थर्ड, फिर इसके बाद ये हो गया आपका सेकेंड फर्स्ट न्यूट्रल, समझ में आया? आप सेम चीज़ यहाँ से भी कर सकते हो पीछे प्रेस करने से और आगे प्रेस करने से। जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे अभी मेरा बाइक है ये न्यूट्रल पे, राइट, तो फर्स्ट करने के लिए मुझे इसमें करना पड़ेगा पीछे, ये हो गया फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, कम करने के लिए आगे प्रेस करना पड़ेगा, दिख रहा है? तो आप आगे प्रेस करोगे तो ये कम हो जाएगा। आपको बेसिक जैसे मैंने बताया वैसे ही एक्सरसाइज करना है। एक्सरसाइज आपको क्या करना है, बाइक के ऊपर बैठना है, फुल क्लच प्रेस करके रखना है और आप ये स्टैंड निकाल दिया करो ऑलवेज, और आप ऊपर देखो और ऊपर देख के आपके माइंड से आपको ये गियर शिफ्ट करने का कोशिश करना है। माइंड से मतलब ऐसे ही सोचता है कि मुझे गियर शिफ्ट कर रहा हूँ, लाइक अभी ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड, ये हो गया फोर्थ, इस तरीके से। तो जस्ट एन एग्जांपल मैं आपको बता रहा था, इस तरीके से आपको गियर्स को शिफ्ट करते रहना है। नॉर्मल सिंगल लीवर वाला रहेगा तो उसमें क्या होता है ना कि पहले फर्स्ट नीचे होता है बाकी सब ऊपर होते हैं, सिंपल चीज़ है, इसमें सबके सब ऊपर होते हैं बाकी सब न्यूट्रल पे जाना है तो नीचे करना पड़ेगा। तो सिमिलर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है,
और बाइक को चालू करने से पहले भी बहुत ज़्यादा ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। सॉरी गाइस, मुझे बाहर जाने का चांस नहीं मिला है, जिसके वजह से मैं आपको ये पर्सनली या प्रैक्टिकली नहीं बता पाया कि ये गियर सिस्टम किस तरीके से होता है। बट कोई बात नहीं, मैं आपका हेल्प यहाँ पर भी कर सकता हूँ। मेरे पास ये पिक्चर है, जैसे आप देख रहे हो, मेरे डोमिनार का, और यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से सिंगल लीवर वाला भी होता है। सिंगल लीवर में आपको यहाँ पर ये पिक्चर दिख रहा है, एग्जैक्टली सेम उसी तरीके से होता है। यानी कि अगर आपको फर्स्ट गियर करना है तो आपको ये ऊपर से नीचे प्रेस करना पड़ेगा, तो आपका फर्स्ट गियर हो जाएगा। फिर इसके बाद बाकी के सब गियर्स है इसमें ऊपर रहेंगे, तो यानी कि आपको नीचे से ऊपर पुश करना पड़ेगा तो सेकंड जाएगा, फिर ऊपर पुश करना पड़ेगा अगेन तो थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ एंड सिक्स। तो डोमिनार में सिक्स है, मेरे पास जो डोमिनार है इसके अंदर सिक्स गियर है। अगर आपके गाड़ी में फिफ्थ गियर होंगे तो पाँचवें गियर तक जाएगा, उसके बाद वो ऊपर नहीं जाएगा। इसी तरीके से सेम अगर आपको नीचे डाउन शिफ्ट करना है, यानी कि आपका जब स्पीड कम हो जाएगा तो आपको डाउन शिफ्ट करना पड़ेगा, यानी कि आप ऊपर से नीचे प्रेस करोगे तो पाँचवें से जाएगा चौथा, चौथे से जाएगा फिर नीचे तीसरा, और फिर तीसरे से दूसरा, और फिर अगर आपने थोड़ा ज़ोर से प्रेस किया तो पहला चला जाएगा, नहीं तो ये न्यूट्रल में चला जाएगा। न्यूट्रल हमेशा फर्स्ट एंड सेकेंड गियर के बीच में होता है, तो आपको जब सेकेंड से आपने अगर एकदम छोटा सा हल्का सा आपने प्रेशर लगाया तो ये चला जाएगा न्यूट्रल पे, अगर आपने थोड़ा ज़्यादा प्रेशर लगाया तो ये चला जाएगा फर्स्ट गियर में। सेम वैसे ही फर्स्ट गियर से सेकेंड गियर पे जाने के लिए भी होता है, तो अगर आपने हल्का सा लाइट पुश करके छोड़ दिया तो वो न्यूट्रल में चला जाएगा, अगर आपने ज़ोर से प्रेस किया तो चला जाएगा सेकेंड पे। ज़ोर से मतलब इतना ज़्यादा ज़ोर से भी नहीं, आप एक बार बस बाइक पे बैठ के थोड़ा सा फर्स्ट और सेकेंड का प्रैक्टिस करो, आपका ये जो है वो समझ में आ जाएगा कि कितना आपको प्रेशर देना है फर्स्ट टू सेकेंड में करने के लिए। थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, बस आप सही तरीके से बाइक चला सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। एक और छोटा सा चीज़ साथ में मैं ऐड करना चाहूँगा, और वो ये है कि जब भी आप अपने गियर शिफ्ट कर रहे हो, ऑलवेज प्रेस एंड होल्ड योर क्लच, फुल क्लच पे ही करना, हाफ क्लच पे कभी मत करना। अच्छा, कुछ लोग ये बोलते हैं कि सर मेरे गियर्स बहुत ज़्यादा हार्ड है या शिफ्ट नहीं हो पा रहे हैं, तो कुछ कुछ बाइक्स में ये प्रॉब्लम होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे बाइक के अंदर अगर इंजन ऑयल नहीं है या कम है तो गियर्स हार्ड शिफ्ट हो सकते हैं, बराबर। अगर आपका बाइक बहुत टाइम से सर्विसिंग नहीं करवा है तो बेटर डू द सर्विसिंग, इंजन ऑयल पूरा निकालो, नया इंजन ऑयल डालो, थोड़ा टाइम अंदर रहने दो, आपका बाइक का गियर सही तरीके से स्मूथली शिफ्ट होंगे। अगर इंजन ऑयल चेंज किया है फिर भी ये प्रॉब्लम हो रहा है तो शायद से ये प्रॉब्लम आउटसाइड में होगा, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कितना ज़्यादा ग्रीस और ये सब चीज़ें हैं, तो मे बी वहाँ की वजह से होते रहेगा। और कभी कभी ना कि गियर के अंदर जब आप गियर शिफ्ट करते हो और आपको पता नहीं होता है और गियर आप थोड़ा सा डैमेज कर देते हो या उसके थोड़े से स्क्रू या ऐसे कुछ चीज़ जो है उसके अंदर प्रॉब्लम हो जाता है, बोल्ट या समथिंग, तो आप ये कर सकते हो कि सर्विसिंग में देने के टाइम पे बंदे को बोल सकते हो कि गियर सही तरीके से स्मूथली शिफ्ट नहीं हो रहे, तो बंदा करके दे देगा विदाउट एनी प्रॉब्लम। अब आप लोग सोचते रहोगे कि गियर्स क्यों इंपॉर्टेंट है, तो मैं इसके रिगार्डिंग भी बता देता हूँ आपको। गियर्स बहुत तरीके से हेल्पफुल है और बहुत तरीके से इंपॉर्टेंट है। तो पहला चीज़ ये है कि फॉर एग्जांपल मुझे सिर्फ ट्रैफिक में चलाना है और मुझे हद से ज़्यादा स्पीड में नहीं जाना है, मेरा बाइक कंट्रोल में रहे उस सीनारियों में चलाना है, तो मैं फर्स्ट एंड सेकेंड गियर पर चला सकता हूँ, राइट। तो ये चीज़ हो गया। फॉर एग्ज़ाम्पल कि लाइक अ स्लोप आ रहा है, तो स्लोप आ रहा है तो उस टाइम पे मैं अपने बाइक का गियर एक पर्टिकुलर लाइक थर्ड या फोर्थ में कर देता हूँ और फिर मैं यहाँ से क्लच छोड़ देता हूँ, तो जिससे होगा इंजन ब्रेकिंग। थर्ड गियर में क्या होगा कि बाइक अपने आप को ब्रेक करने का कोशिश करेगा, और वो ब्रेकिंग सब बाइक्स में होता है, किसी बाइक में थोड़ा होगा, किसी बाइक में ज़्यादा होगा, पर सब बाइक्स में इंजन ब्रेकिंग होता है। तो जैसे अगर कि आप क्लच छोड़ दोगे और आप नॉर्मली एक्सेलरेशन भी छोड़ दोगे तो आपको पता चलेगा कि आपका बाइक धीरे 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 करके स्लो हो रहा है, यही होता है इंजन ब्रेकिंग। और जब ये स्लोप में आप ये छोड़ दोगे तो आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, लाइक थर्ड गियर पे है 30 का स्पीड है, इससे ज़्यादा स्पीड बढ़ेगा नहीं और इससे ज़्यादा स्पीड कम नहीं होगा क्योंकि स्लोप है, राइट। तो इससे क्या होगा ना कि आपका बाइक सही तरीके से कंट्रोल में रहेगा, आपके ब्रेक्स ज़्यादा यूज़ नहीं होंगे और ऐसी बहुत सारी बेनिफिट्स है। कभी कभी आप रास्ते पे जा रहे हो, आपका ब्रेक फेल हो गया तो आपको बाइक को स्लो करना है, तो यस, गियर्स के वजह से आप अपना बाइक को स्लो कर सकते हो। नेक्स्ट थिंग, जैसे कि स्लोपी एरिया है और स्लोपी एरिया में आपको अपने बाइक को पार्क करना है, तो नॉर्मली अगर आप न्यूट्रल पर रख के पार्क करोगे तो बाइक ऐसे घूम जाएगा या पीछे चला जाएगा, तो वैसे सीनारियों में आप अपने बाइक को फर्स्ट गियर पर करके पार्क कर सकते हो। ये भी बहुत सारे ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसके वजह से गियर्स आपको हेल्प करेंगे। समझ में आ गया? तो इतनी चीज़ें होती है गियर्स के रिगार्डिंग, और आई होप सो इट्स हेल्पफुल। और जैसे मैंने आपको बताया, जितना ज़्यादा आपको स्पीड में जाना है उतना ज़्यादा आप अपने गियर्स को
बढ़ाओगे। तो पहला गियर आपको इनिशियली पिकअप के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और पहले गियर में बहुत अच्छा पावर होता है, जिससे आप किसी पिलियन के टाइम पे भी अपने बाइक को उठा सकते हो, चाहे वो कितना ही ज़्यादा स्लोपी एरिया में क्यों नहीं हो, चाहे वो कितना भी ज़्यादा नॉर्मल एरिया में क्यों नहीं हो। फर्स्ट गियर इज़ इनिशियल फॉर स्टार्टअप, यानी आपका बाइक ऐसे खड़ा है आगे बढ़ने के लिए, उसको फर्स्ट गियर का पावर लगेगा। सेकेंड गियर पर करोगे तो बाइक झटका मार के बंद हो जाएगा। फिर पहला गियर का एक लिमिट होता है, थोड़ा टाइम आगे जाएगा, फिर उसके बाद अगेन नथिंग, तो वो बढ़ेगा। आगे बढ़ने के लिए आपको सेकेंड गियर डालना पड़ेगा, तो सेकेंड गियर डालोगे आपका बाइक आगे जाएगा, हाई स्पीड में जाएगा, फिर थर्ड गियर, फिर फोर्थ गियर, फिर फिफ्थ गियर। ऐसे जैसे आप रुकाने वाले रहोगे तो रुकाने के टाइम पे भी आपको गियर्स कम करने हैं। तो गियर्स आप दोनों तरीके से, आपको जो पसंद आए वो तरीके के अंदर आप गियर्स कम कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे रुकने के बाद मैं एक साथ क्लच प्रेस करके सारे गियर्स कर देता हूँ टू द फर्स्ट, या फिर न्यूट्रल, या फिर जैसे मैं जैसे ब्रेक मार रहा हूँ वैसे ब्रेक मारते मारते यहाँ से सारे गियर्स एक साथ डाउनशिफ्ट करते रहता हूँ। तो डिपेंड्स ऑन यू, बेस्ट टेक्निक यही है कि जब आप रुकाते हो वही टाइम पे आप क्लच प्रेस करके अपने गियर्स कम करना स्टार्ट कर दो। लेकिन ऐसा मुझे पता है कि बिगिनर्स में बहुत ज़्यादा डर होता है कि किस तरीके से करना है, तो कोई भी के तरीका करो, कोई तरीका रॉन्ग नहीं है दोनों में से जो है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपके गियर्स कम होने चाहिए, दैट्स इट। तो अप शिफ्ट एंड डाउन शिफ्ट, ये दोनों तरीके के शिफ्टिंग होते हैं। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड इस वीडियो के अंदर। अगर आपको और भी कुछ डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो वाया कमेंटिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ डू लाइक इट, नए हो तो मेरे चैनल पे सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच, स्टे सेफ एंड बी सेफ, बाय बाय।